मनोज सिंह एक नेवड़े साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शून्य संविदा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2J में दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉयड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, यानी एक संविदा जो प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वो तब शून्य हो जाती है जबकि प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। सिंपली समझिए कि शून्य संविदा वो संविदा है जो कि उस संविदा को करते समय तो वैलिड थी, इन्फोर्सेबल थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नॉर्म्स को फुलफिल करती थी, पूरी तरीके से इन्फोर्सेबल थी, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण उसका पालन करना असंभव हो गया या विरुद्ध हो गया। तो देखिए जब वो जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो सारी शर्तें फुलफिल करती थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन अब कुछ परिस्थितियाँ हो गई जिसकी वजह से कि उसका पालन करना असंभव हो गया या विधि विरुद्ध हो गया, तो ये क्या हुआ? शून्य संविदा। देखिए अभी तक संविदा थी, अब शून्य हो गई, तो इसीलिए इसे कहते हैं शून्य संविदा। एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने अपनी गाय आपको बेचने का एग्रीमेंट किया कि हम अपनी गाय आपको 20,000 रुपये में बेच देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इत्तेफाक की बात यह है कि आज 2 घंटे बाद वो गाय मर गई, डेथ हो गई। अब क्या होगा? डॉक्टर ने फ्रस्ट्रेशन लागू हो जाएगा। अब उस गाय को हम आपको दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो गाय मर चुकी है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना असंभव हो गया है, तो इसलिए क्या है? शून्य संविदा। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि गाय को खरीदना बेचना कहीं प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन अब हमें आपको देना था, उसके पहले ही गाय वो मर गई, तो क्या हुआ? गाय मर चुकी है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो वायर्ड हो गया है, क्यों? क्योंकि अब मरी हुई गाय को तो हम आपको देंगे नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पालन का पार्ट है नहीं, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वायर्ड हो गया, यानी ये संविदा शून्य हो गई। अब इसे संविदा को पालन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? गाय है, वो समझ लीजिए। वाइट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो करते समय तो वैलिड था, बाद में की परिस्थितियों की वजह से या तो पालन करना असंभव हो गया या विधि विरुद्ध हो गया। वो एग्जांपल हम पुनः गाय वाला लेते हैं कि हमने आपको गाय बेचने का एग्रीमेंट किया, इत्तेफाक की बात है कि आज ही 2 घंटे के बाद वो गाय मर गई, जाहिर सी बात है कि उस संविदा का पालन करना मेरे लिए अब असंभव हो गया है। तो कल अभी तक वो संविदा थी 2 घंटा पहले, अब इस 2 घंटे में वो मर गई, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वायर्ड हो गया, तो ये है आपका वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट।